अस्सलाम वालेकुम। रमजान स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीन तरह के बहुत ही मज़ेदार चिकन के स्नैक्स। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो मैं बनाने वाली हूँ चिकन समोसा, रशियन कटलेट और चिकन स्प्रिंग रोल। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो सबसे पहले बनाकर तैयार करेंगे चिकन समोसा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ मैं एक कढ़ाई में ले ली हूँ तेल 2 बड़े चम्मच के करीब में। इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच जीरा, हल्का सा भून लेंगे इसे। और अब मैं डाली हूँ इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। तो 2 प्याज लेकर उसे बारीक काट ली हूँ मैं। तो प्याज को चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है प्याज को। तो इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून मटर और इसके साथ ही डाल दूँगी 4 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। अच्छे से मिला लूँगी और इसे चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक भून लूँगी। और 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालूँगी इसमें गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दी हूँ और इसके साथ ही डाल दूँगी इसमें आधा छोटा चम्मच नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो भून लेना है इसे चलाते हुए। मीडियम आंच रखेंगे यहाँ पर, तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। तो चलाते हुए भून ली हूँ इसे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप भर के चिकन। तो चिकन को मैं उबाल के छोटा छोटा तोड़ ली थी, इस तरह से इसे डाल दी हूँ। तो चिकन को थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लेना है। और इसके साथ ही डाल दूँगी इसमें 1 उबला हुआ आलू जिसे मैं मैश कर ली थी। हरा धनिया डाल दूँगी 3 से 4 टेबल स्पून। अच्छे से मिला लेंगे सभी चीज़ों को। और ये तैयार हो चुका है। इसको हमें पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम इसका समोसा बनाकर तैयार करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं एक बोल में 2 चम्मच के करीब में मैदा ले ली हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। इससे हमें समोसे को चिपकाना है, तो इसे हल्का सा गाढ़ा ही रखना है। ये देखिए इस तरह से बना के तैयार कर ली हूँ, इसे साइड में रखूँगी। समोसा पट्टी हमें लेना है, तो आप चाहे तो मार्केट का समोसा पट्टी ले लें। मैं घर पर ही बनाई हूँ इसे, तो इस तरह से काट ली हूँ। तो घर पर भी इसे बनाना बहुत आसान होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने डाली हूँ। तो इस तरह से मैं काट ली हूँ और अब मैं इसे समोसा बनाकर दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। इस तरह से किनारों पर लई लगा लूँगी और इस तरह से एक कोन बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसमें हमें स्टफिंग भर लेना है इस तरह से। ये देखिए भर ली हूँ। और जो बचे हुए किनारे हैं उन पर भी हम लई लगा लेंगे हल्का सा इस तरह से, और इसे पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पैक कर लेना है। तो बहुत आसान होता है इसे पैक करना। तो आप मार्केट का ले रहे हैं तो भी आप आसानी से इसे पैक कर सकते हैं। तो एक और मैं दिखा देती हूँ किस तरह से बनाना है। और बहुत ही क्रिस्पी ये समोसा बन के तैयार होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से डाल दूँगी और इसे अच्छे से पैक कर देंगे। देखिए तो इसी तरह हम सारे समोसों को बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारे सारे समोसे फ्राई करने के लिए तैयार हैं। तेल को हमने अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद हमें समोसों को डाल देना है। गैस को मीडियम टू हाई रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना रहता है। लो फ्लेम पर या मीडियम आँच पर इसे नहीं फ्राई करना है। एक बार मैं जितने समोसे आ गए हैं उतने डाल दी हूँ और इसे अलट पलट कर हम क्रिस्पी हो जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बचे हुए समोसों को स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, फ्रीजर में, और जब भी आपको खाना हो 1 घंटा पहले निकाल कर उसे रख दें बाहर और उसके बाद उसे फ्राई कर लें। तो इस तरह से फ्राई करके आप उसे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे समोसे मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है ये। इसे मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब मैं बनाऊंगी रशियन कटलेट, ये तो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसे बनाने के लिए मैं 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर उसे उबाल लूँगी। तो एक पैन में डाल दी हूँ, साथ में डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच डाल दी हूँ इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ और साथ में डाल दूँगी 1 कप पानी। पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर पका लेंगे चिकन के गल जाने तक। तो मीडियम आंच पे पका लूँगी इसे। और ये देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हुए हैं, चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। तो चिकन को निकाल लूँगी।
और जो ये चिकन स्टॉक बच गया है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो चिकन को हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे। तो अच्छे से पहले दबा के मैश कर लूँगी। तो छोटा छोटा बारीक हमें तोड़ लेना है इस तरह से। देखिए ये तोड़ ली हूँ मैं, ये तैयार है। अब मैं एक पैन में डाल ली हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब में बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। इसमें डाल ली हूँ 1 कप बारीक कटा हुआ गाजर, मिला लूँगी। 1 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दूँगी। 1/2 कप डालूँगी इसमें पत्ता गोभी। तो बारीक काट लेना है सभी सब्जियों को। अच्छे से मिला लूँगी इन्हें और हाई फ्लेम पर ही इसे भूनूंगी। और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर सब्जियों को भूनने के बाद इसमें डाल ली हूँ 2 बड़े चम्मच मैदा। अच्छे से मिलाएंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे ही इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो गैस को तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा मैदा जल जाएगा। मीडियम आंच पे ही चलाते हुए भूनना है इसे। तो मैदे को चलाते हुए अच्छे से भून ली हूँ। अब मैं डालूँगी जो हमारा चिकन स्टॉक बचा हुआ था उसे। अगर आपका चिकन स्टॉक ना बचा हो तो आप इसकी जगह पर 1/2 कप दूध डाल सकते हैं। और अब मैं साथ में डाल दूंगी 1/2 कप दूध। तो अगर आपका चिकन स्टॉक नहीं है तो आप यहाँ पर 1 कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डाल के हमें अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से चलाते हुए इसे पकाना है, तले से चलाते हुए इसे पका लेंगे, नहीं तो हमारा जो मैदा है वो तले में लग सकता है। और अब मैं डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डाल दूंगी इसमें नमक और अच्छे से इसे मिला लूँगी। तो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें 2 उबले हुए आलू। तो आलू को उबाल के मैं उसे कद्दूकस कर ली थी। और साथ में डाल दूँगी चिकन जो हमने तोड़ के रखा हुआ है। हरा धनिया डाल दूँगी 1/4 कप के करीब में और बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है और अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेना है। और यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर डालना भूल गई थी, तो 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ। मिला लूँगी सभी चीज़ों को और बहुत अच्छे तरीके से इसे मिला ली हूँ। और अब मैं इसे निकाल कर दूसरे बर्तन में रख दूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर हम इसका कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। निकाल कर फैला देना है, इस तरह से निकाल दी हूँ मैं। और इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, हाथों में लगा लेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल लगाने के बाद इसके कटलेट बनाकर तैयार कर लूँगी। तो आप अपने पसंद का शेप दे सकते हैं इसे। ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा ओवल शेप दे रही हूँ इसे। तो ये तैयार है, इसी तरह मैं सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लूँगी। और यहाँ हमारे सारे कटलेट फ्राई करने के लिए तैयार हैं। तो फ्राई करने के लिए 1 अंडा ले ली हूँ, उसे अच्छे से फेंट लूँगी इस तरह से। और यहाँ मैं ले ली हूँ सेवैयाँ। तो सेवैयों को छोटा छोटा तोड़ लेना है हमें। अगर आपके पास सेवई नहीं है तो आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हमें इसे अंडे में डिप करना है और उसके बाद सेवई में अच्छे से कोट कर लेना है। तो इस तरह से हम अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह सेवई में कोट करने के बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं फ्रीज़र में। और जब भी इसे फ्राई करना हो 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दें, और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसे अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये देखिए तैयार है ये। तेल को यहाँ मैं मीडियम गरम कर ली हूँ और अब मैं डाल दूँगी इसे फ्राई करने के लिए। तो जितना एक बार में आराम से आ जाएगा उतना डाल देंगे। और एक तरफ पहले इसे फ्राई होने देंगे और लगभग 1 मिनट के बाद फिर हम इसे पलटेंगे और अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ये। तो बस इसे क्रिस्पी हो जाने तक हमें अलट पलट कर फ्राई कर लेना है। और लगभग 3 मिनट लगे हैं इसे फ्राई होने में। बहुत बढ़िया से हमारा जो कटलेट है वो फ्राई हो चुका है। तो इसे मैं निकालूंगी और इसी तरह बाकी के सारे कटलेट भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और तैयार है हमारा मज़ेदार सा रशियन कटलेट। इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं बनाऊँगी चिकन स्प्रिंग रोल। देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब है। तो इसके लिए मैं ले ली हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म कर ली हूँ और अब मैं डालूंगी इसमें 1 प्याज जिसे मैं पतला पतला काट ली हूँ। प्याज को हल्का सा भून लेना है, तो सॉफ्ट हो जाने तक भून ली हूँ। यहाँ मैं ले ली हूँ 1 गाजर जिसे पतला पतला काट ली हूँ, 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप पत्ता गोभी ले ली हूँ। सब चीज़ों को एक ही तरह से काट लेना है हमें। और प्याज हमारा भून चुका है, इसमें डाल दूँगी पहले गाजर, शिमला मिर्च और
इनको हल्का सा भुनने के बाद इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। तो पहले इन दोनों को हल्का सा भून ली हूँ और डाल दूँगी मैं इसमें पत्ता गोभी, और चलाते हुए मीडियम आंच पे इसे भून लेंगे। हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है सभी सब्जियों को। तो यहाँ चलाते हुए पका ली हूँ और अब मैं डालूँगी हाफ कप इसमें स्वीट कॉर्न। तो आपको ये पसंद हो तो ही डालें, ज़रूरी नहीं है इसे डालना, लेकिन अच्छा टेस्ट आता है। एक कप डाल ली हूँ इसमें उबला हुआ चिकन जिसे मैं बारीक तोड़ ली थी, और अच्छे से मिला लूँगी सभी चीज़ों को। और इसके साथ डालूंगी एक छोटा चम्मच नमक, तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। एक छोटा चम्मच डाल ली हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच डाल ली हूँ इसमें विनेगर, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखी हूँ, मीडियम आंच पे इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और लगभग 3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी। और यहाँ मैं एक बोल में ले ली हूँ 2 छोटा चम्मच मैदा, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से घोल लूँगी। और इसका हमें लई बनाकर तैयार कर लेना है जिससे हम स्प्रिंग रोल को चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरह से बना के तैयार कर ली हूँ, इसे साइड में रखूँगी। और अब मैं ले ली हूँ पट्टी। तो ये पट्टियाँ जो है वो मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, मैं इसे घर पर ही बनाई हूँ। तो इस तरह से रख लेंगे और इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे और इसे पैक कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पैक कर लेना है। किनारों पे जो बचे हुए जगह है उस पे लई लगा देंगे इस तरह से, और हाथों से दबाते हुए इसे पैक कर लेंगे। इस पट्टी को घर पर बनाना बहुत आसान होता है, इसका वीडियो मैं चैनल पर डाली हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह बना ली हूँ, इसी तरह सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और एक और मैं बना के दिखा देती हूँ। तो ये जो पट्टी ली हूँ मैं, इसके किनारों को कट नहीं की हूँ, लेकिन ये इससे बहुत अच्छा बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से डाल दी हूँ, फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो दोनों तरह से आपको दिखा दी हूँ, आपको जो ईजी पड़े आप ऐसा बना सकते हैं। तो इस तरह से पैक कर लेना है हमें ले लगा के। अगर आप स्प्रिंग रोल की पट्टी घर पर बना रहे हैं तो इस तरह से बिना किनारों को कट किए हुए ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो सारे बना के तैयार कर ली हूँ मैं। और अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह एक डब्बे में रख कर इसे फ्रीजर में रख दें, और जब भी इसे फ्राई करना हो 1 घंटे पहले निकाल कर बाहर रख दें और फिर इसे फ्राई कर लें। तो इसे फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम आंच पर गर्म कर ली हूँ, और तेल हमारा मीडियम हॉट है तो इसमें डाल दूँगी। तो जितना एक बार में आ जाएगा उतना डाल देंगे, और मीडियम आंच पे ही इसे चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो अच्छा सा क्रिस्पी हो जाने तक हमें इसे चलाते हुए फ्राई कर लेना है, पलट पलट के फ्राई कर लेंगे इसे। और यहाँ बढ़िया सा कलर आ गया इसमें ही देखिए। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी के बचे हुए भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और मज़ेदार सा हमारा चिकन स्प्रिंग रोल बन के तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये, और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। इसे अपनी पसंद की चटनी और सॉस के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस रमज़ान आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा।